ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है कि आखिर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट या फिर कोई भी एक विद्यार्थी के मन में यह आकांक्षा होती है कि आईएएस कैसे बना जाए या फिर आईएएस लोग बनते कैसे, आईएएस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम आईएएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस वाले जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो ऑल इंडिया रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि पूरे भारत में उनका सेवा लिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिक्रूट किया जाता है। और तो और जो हमारे जिले में जो डीएम और कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो आईएएस ही होते हैं। तो आप इनसे इनका महत्व समझ सकते हैं, या फिर यूं कहूं तो जो आगे चलकर जब ये प्रमोट होते हैं तो जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर में हो, जहां भी हो, वो मूलतः आईएएस कैडर के ही होते हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर मैंने दे दिया कि आईएएस जो है क्या होते हैं और इनके आगे प्रमोशन और इनके किस जो है पद में इनकी बहाली की जाती है। अब जान लेते हैं कि आईएएस बना कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस सेवा में कैसे कोई भी एक विद्यार्थी जिनकी आकांक्षा है कि हम आईएएस बने या कलेक्टर बने, वो इसमें कैसे जा सकते हैं। तो इसमें आईएएस बनने के लिए हमें एक, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हर एक चीज की परीक्षा होती है, जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है एमबीबीएस का परीक्षा देता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो जेई वगैरह का परीक्षा देता है, या फिर जो भी हो, हर एक एसएससी हो, सीजीएल हो या फिर एनडीए हो, जिस भी सेक्टर में, आर्मी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो या फिर प्रशासनिक विभाग हो, किसी भी विभाग में सेवा देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना होता है। तो यह परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है, जो आईएएस का जो परीक्षा है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, एक आयोग है उसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा यह जो है परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे सर्विसेस होते हैं, लगभग 22, 23 और 24 सर्विसेस होते हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, फॉरेन सर्विस हो गया, आईपीएस हो गया, फिर रेवेन्यू सर्विस हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, रेलवे सर्विस हो गया, आईटी सर्विस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेस, लगभग 22, 23 या 24 सर्विसेस हैं पूरे, जो कि ऑल इंडिया रैंक के होते हैं सर्विसेस। तो इसमें जो है कमीशन के द्वारा परीक्षा लिया जाता है, उसके सिलेक्शन के बाद जो है आपको रैंक के आधार पर आपका जो है सर्विस अलॉट किया जाता है, पद अलॉट किया जाता है। आपका रैंक अगर हाई रहेगा तभी आपको आईएएस मिल सकेगा, उसके जैसे जैसे फिर रैंक कमते जाएगा, फिर आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, जैसे जैसे रैंक के आधार पर जो है। तो अगर आईएएस में जाना चाहते हैं तो आपको हाई रैंक लाना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको टॉप 100 में मतलब लाना होगा, तब आप आईएएस की सेवा में जा सकते हैं। तो हर एक साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा, मतलब यह परीक्षा जो है कमीशन जो है यूपीएससी के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है सिविल सेवा के तौर पे, जिसमें कि लगभग लगभग इस पिछले बार का अगर देखें तो 900 वैकेंसी, या उसके पिछले बार का देखें किसी साल 2014 या 13 में 3000 वैकेंसी। तो जितने पद खाली होते हैं उतनी की रिक्रूटमेंट निकलती है, और हर एक साल जो है आयोग के द्वारा यह वैकेंसी जो है रिलीज की जाती है और उतने ही व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाता है। तो अब इसके कुछ मोर और लेस में क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं कहूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, और अपीयरिंग कैंडिडेट जो लास्ट ईयर कॉलेज और फाइनल ईयर वाले रहते हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। एज लिमिटेशन का है तो है, तो मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ईयर्स, मैं शॉर्ट एंड स्वीट समरी प्रोवाइड कराऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मिनिमम एज लिमिटेशन जो है वो 21 ईयर्स है, जनरल वालों का या फिर कोई भी एससी एसटी ओबीसी सबका मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ही है, और मैक्सिमम एज लिमिटेशन जनरल का 32 ईयर्स है विद 5 अटेम्प्ट्स और 6 अटेम्प्ट्स, और कह सकते हैं कि ओबीसी को 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं और वो 35 ईयर तक दे सकते हैं, एससी एसटी वाले 37 ईयर तक दे सकते हैं, और जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड है वो कह सकते हैं कि
42 इयर्स तक दे सकते हैं। मिनिमम एज लिमिटेशन वही रहेगा, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देने होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता ही दिया मैंने कि मिनिमम जो है ग्रेजुएशन मांगा जाता है, कोई भी स्ट्रीम से हो चलेगा। और इसी के साथ साथ आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, तभी आपको IAS अलॉट की जाएगी। ऐसे इसमें भूटान के, नेपाल के भी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें IAS, IPS और IFS की सर्विस अलॉट नहीं की जाती है, तो सिर्फ इंडियन को ही IAS अलॉट की जाती है। तो ये कुछ चीज हो गई। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन के बारे में। इसके तीन स्टेज मुख्यतः जो मैं मानता हूं, जिसमें है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, और फिर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट साक्षात्कार। प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, चार ऑप्शन है, उसी चार ऑप्शन में से आपको एक प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें अगर आप क्वालिफाई करेंगे, दो पेपर होते हैं, पहला पेपर है जीएस का, दूसरा पेपर है सीसेट का। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर है, फर्स्ट पेपर से ही कट ऑफ निकलता है, जिसमें कि आपको मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, इसका जो है मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। तो ये चीज हो गया। अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब उसमें आपको ऐसे टाइप आंसर लिखने होते थे। उसके बहुत सारे पेपर्स होते हैं, पहले दो क्वालिफाइंग पेपर की बात कर लेता हूं कि इंग्लिश और हिंदी दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, और इसके साथ साथ एक एसे का पेपर होता है, चार जीएस का पेपर होता है, जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री एंड जीएस फोर। और फिर हमें एक सब्जेक्ट ऑप्शनल का चुनना होता है, जिसमें हमें दो पेपर देने होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया मेंस के कितने पेपर होते हैं, और हम लोग देखेंगे फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है अंत में, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका साक्षात्कार लिया जाता है, और अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं और मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आपका नंबर आता है, तो आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी आधार पर आपको रैंक अलॉट किया जाता है। रैंक अलॉट करने के बाद फिर आप कि कितने रैंक है उस हिसाब से आपको सर्विस मिलती है। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो मैंने बता दिया कि आईएएस बनने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए, डीएम या कलेक्टर बनने के लिए, एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को किस चीज जो है कह सकते हैं कि किस प्रकार से, किस माध्यम के जरिए वो इस सर्विस में आ सकता है, मैंने ओवरऑल बेसिक चीजें बताई है। अगर आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए या फिर किस किस चीज की, जो मैंने बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जितने भी चीजें हैं, वो डिटेल्ड जो है उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में विजिट करके उससे देख सकते हैं कि आखिर इनके और अदर जितने भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भरसक प्रयास करूंगा उत्तर देने का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वही कहूंगा, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।